हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की नई हमारी एक और वीडियो के साथ। गाइज, जो टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होता है वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया, एंड अकाउंटिंग वाउचर क्या है एंड अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार के बारे में बता चुका हूँ। गाइज, जो टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनमें कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो गाइज, मैं एक प्रकार ले रहा हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज मतलब क्या होता है टैली अकाउंटिंग वाउचर में? तो गाइज, मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। गाइज, जब हम बैंक से कोई लेन देन करते हैं तब कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं कैश विथड्रॉ, मतलब बैंक से आप पैसा निकालते हैं, मतलब कैश विथड्रॉ होगा तो उस दौरान में भी आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे, या फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने पर भी कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए फंक्शन की F4 की का यूज किया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद वहाँ फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाता है। गाइज, कॉन्ट्रा वाउचर कितने प्रकार का होता है? कॉन्ट्रा वाउचर में ऐसी कौन सी एंट्री पास की जाती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। गाइज, कॉन्ट्रा वाउचर में जैसे आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो भी कॉन्ट्रा वाउचर में जाके एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर आप बैंक से अगर आप विथड्रॉ कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो वो भी कॉन्ट्रा वाउचर में जाके एंट्री करेंगे, और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है तो भी वो कॉन्ट्रा वाउचर में जा करके उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। देखिए गाइज, मैं एक एग्जांपल देके आपको मैं समझा रहा हूँ। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यहाँ पर 10,000 कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो ये एंट्री आप कौन से वाउचर में करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में। तो इसकी एंट्री करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं टैली ओपन किया, टैली ओपन करने के बाद हमने क्या किया, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया, ठीक है गाइज। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होने के बाद हमने क्या किया कि कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। कैश को क्रेडिट हमने इसलिए किया क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का रूल्स ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में आने वाले संपत्ति को क्रेडिट करो और व्यापार से जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करो। तो हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, क्रेडिट, मतलब हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, ठीक है। तो हमने कैश को इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। और SBI बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का प्रिंसिपल का रूल्स ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट का रूल्स एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। गाइज, आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपका कॉन्ट्रा वाउचर क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।